अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन सिक्स का सिक्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पार्ट उसका सिक्स, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो पहले कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट सिक्स। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? 9x² + 1/9x² - 4y² - 1/4y² + 4। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, अब इसे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब इसमें क्या करोगे? इसमें भी हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला। अब बताओ कि तीन फार्मूले जो पड़े हैं, इन तीन फार्मूले में से कौन सा फार्मूला लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के? ये जो तीन फार्मूले हैं, इन तीन फार्मूले में से कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन में लग रहा है? ये वाले कैसे? सेकंड लगेगा। कैसे बचला? इस क्वेश्चन में आपके फार्मूले जो लगेंगे a+2 और ये बन जाएगा माइनस कॉमन निकाले ++। इसमें आपके इन दोनों फार्मूले तो कोई एक लगेगा। अभी हम चेक करते हैं, ठीक है, इन दोनों फार्मूले तो कोई एक लगेगा। अब चेक करते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखो, ये है 9x² + 1/9x², इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस ये बन गया 4y². जब माइनस कॉमन निकालते तो क्या हो जाएगा? 4y² माइनस में था, ये बन गया प्लस में, ये माइनस में था, ये बन गया प्लस में। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, सिर्फ माइनस कॉमन निकाला है। अभी क्यों निकाला है समझ में आ जाएगा। ये कॉमन में निकाला है, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाला और प्लस 4 को मैं तोड़ूँ, +2 + 2 लिख सकता हूँ। प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ +2 + 2। मैंने क्यों लिखा? इसकी वजह है। अब क्या करेंगे? समझ नहीं आ रहा। आई थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा ये प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा, ये भी प्रैक्टिस करोगे भी समझ में आएगा। या बल्कि यूँ समझ लो, अभी माइनस कॉमन निकालो, पहले इसको मैं तोड़ देता हूँ यूँ करके, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे कन्फ्यूज़ हो रही हो ना तुम, इसको यूँ करो, माइनस से भी कॉमन नहीं निकालता हूँ। ये देखो, इसको ऐसा ही लिख देता हूँ, ये मैंने उतार दिया कॉपी, ये भी ऐसे उतार दिया, ये भी ऐसे उतार देता हूँ, -4y² - 1/4y² इस 4 को हमें तोड़ना पड़ेगा +2 + 2 में लाजमी, तब जाके हमारा फार्मूला बनेगा। कैसे बनेगा? अब मैं बोलूँ कि मैं 1, 2 इधर ले लूँ इस वाले के पास और 1, 2 इस वाले के पास ले लूँ, तो हमारा ये तीन टर्म हो जाएगी। अब कितनी टर्म आ रही? देखो, तीन टर्म आ रही ना, अब ये कितनी टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म हो गई, ये तीन टर्म और ये तीन टर्म, 3 और 3 6 टर्म बन जाएगी हमारी। इस वजह से हमने 4 को तोड़ा है, बाकी हम कुछ करेंगे तो हमारा प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। तो हमने 4 को तोड़ लिया +2 + 2 में। अब क्या करेंगे हम? 1, 2 ले लेते हैं इधर उठा के, यहाँ पर इस इसके पास ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? अभी वजह समझ में आएगी हम क्यों कर रहे हैं। 9x² + ये वाला 2 उठा के पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये 2 इसके साथ लिख दे रहा हूँ, प्लस ये वाला प्लस 1/9x² 2ab। ठीक है, अब ये इक्वल के नहीं है ना, इक्वल के जबकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर जाता है तो माइनस साइन चेंज होती है। यहाँ तो कहीं इक्वल का साइन है क्वेश्चन में, कहीं इक्वल का साइन है पूरे क्वेश्चन में, हमारा इक्वल का साइन ही नहीं है। जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेफ्ट, सब साइन चेंज होती है। ये हमने क्या सिर्फ +2 को पहले लिख दिया, यहाँ पर इसको लिखा, इसको लिखने के बजाय 2 को इधर लिख लिया +2 को और ये उतार दिया, -4y² - 4y² और इस +2 को भी या इसके साथ लिख लिया +2 और ये -1/4y² में लिख लिया। अभी क्यों लिखा? अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी क्यों लिखा? अभी ये समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब देखो, अब ये बन गया, ये तीन टर्म, इस तीन टर्म में क्या हो रही है? +++ हो रहा है, ठीक है, और ये तीन टर्म में क्या हो रहा है? -++ बन रहा है। इसमें क्या आ रहा है? -++ जबकि हमारे फॉर्मूले में क्या है? माइनस या तो प्लस हो या प्लस और प्लस हो, ये प्लस प्लस से ही बन रहा है, यानी ये फार्मूला तो लग जाएगा
इस वाले टर्म में ये इस एक्सप्रेशन में ये वाला फॉर्मूला तो लग जाएगा, लेकिन इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर शुरू में माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, जबकि इसमें जो प्लस शुरू में प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए साइनों को सेम करने के लिए हम इसको तो हमें लिख लेते हैं पहले ऐसा ही, 9x² + 2 + 1/9x². अब इन तीनों में से सिर्फ साइन कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा अब बताओ, इन तीनों में से सिर्फ माइनस साइन कॉमन निकाल लेते तो क्या फर्क क्या पड़ेगा, 4y² माइनस में था ये बन जाएगा प्लस में 4y², 2 प्लस में था ये बन जाएगा माइनस 2, माइनस ये 1/4y² माइनस में था ये बन जाएगा प्लस में 1/4y². ठीक है, बन गया ये। अब देखो प्लस माइनस प्लस, ये देखो ये टर्म माइनस में, फिर ये टर्म, फिर प्लस में टर्म, पहली टर्म माइनस, दूसरी टर्म प्लस, ये बेची बन गई। अब ये वाला फॉर्म लग सकता है इसके ऊपर, इसीलिए हमने इसको जानबूझ के इस तरह किया है। किसको तो भी कहाँ 9 बजा भी, हाँ तो 15 क्यों रह गए ना भी, अभी तो फीस के बच्चे से करवाया नहीं है वो, तुम जाओ तुम्हारा तो काम हो गया, उनके ना वो 9:30 तक आ जाए, मैं बताया था 9:30 की टाइमिंग है। अच्छा इधर देखें आगे, अब टाइमिंग अब इसको देखें, अब इसमें बोले इस पे हम ये जो फार्मूला लगा रहे हैं कैसे लगाएंगे बोलो, ये वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करना है, और ये और इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करेंगे बोलो, 9a हो जाएगा। अब 9x² को हमें a² बनाना है, 1/9x² को b² बनाना है। ठीक है, तो इसको a² कैसे बनाएंगे, नहीं 3x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9x². ठीक है, a² बन गया प्लस प्लस फार्मूले में 2 है, 2 फार्मूले में a हमारे पास क्या है, 3x फार्मूले में क्या है, b हमें अभी पता नहीं है, अभी छोड़ दो लिखते हैं, प्लस प्लस बी का स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 1/3x² होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया b, यहाँ पर b लिखना था 2ab में, या आप लिख दो 1/3x। ठीक है, अब देखो इसको मैं खोलूँगा तो ये चीज़ बनेगी, इसको और खोलूँगा तो ये चीज़ बनेगी, और इसको सॉल्व करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी, 3x से 3x कैसे लिखो 2 आ जाएगा, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही फार्मूला बना लिया। अब ये माइनस उतार दोगे यहाँ पर, ठीक है माइनस, अब इसमें भी लगाओ, अब इसमें कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्म a² - 2b² आपकी मैथ असल में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसी वजह से आपको आपको सर के ऊपर से गुजर लगी, समझ आ रही बात, तो आपको आपको बेसिक मैथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है बहुत मुश्किल हो रही है, इस वजह से आपकी बेसिक बहुत मैथ बहुत कमज़ोर है, क्लास 8 की मैथ्स, क्लास 7 की मैथ्स, क्लास 6 की मैथ आपने बहुत सही से पढ़ा नहीं है, इन बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो ये समझ रहे हैं, तो अब आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब इसको मैं अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे इन्होंने बताया, अब आप बताएं इसको मैं इस फार्मूले में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँगा, बताएं अब आप, जिस तरह मैंने इस पूरी चीज़ को इस फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, अब इस पूरी चीज़ को इस फार्मूले में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, है क्या करूँ, ये कन्वर्ट करना है ना, इस चक्कर में कन्वर्ट करना है, प्लस का क्या ताल्लुक है, यहाँ पर करेंगे क्या बताएं, देखें ये जो चीज़ लिखी थी इसको मैंने इस कन्वर्ट में कन्वर्ट कर दिया, a² + 2b² में कन्वर्ट कर दिया, अब ये चीज़ जो लिखी हुई है इसको मुझे नीचे वाले फार्मूले में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, अब आप बताएं क्या बनाएंगे, हाँ 2y² हो जाएगा। ठीक है, ये देखें अब आप देखें 2y² हो जाएगा, ये बन गया a² फार्मूले में माइनस है, माइनस फार्मूले में 2a, 2 फार्मूले में a है, ये आपका क्या है 2y। ठीक है, फार्मूले में b है, b अभी हमें पता नहीं है, छोड़ दो नहीं डालते हैं, फार्मूले में प्लस है, प्लस डाल दिया, फार्मूले में b² है, b² कैसे बनाएंगे इसको, 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2y का होल स्क्वायर, यहाँ पर b लिखना था तो 1/2y लिख देंगे। ठीक है, अब अगर इसको मैं खोलूँ 2y² तो ये चीज़ बन जाएगी, 1/2y² खोलूँगा 1/4y² बन जाएगा, इनको सॉल्व करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी, 2y कैंसिल माइनस 2 आ गया, कौन सा ब्रैकेट, इसका क्या होगा, कहाँ पर, ये नहीं, ये तो माइनस पे थे जब हमें लगाना पड़ा, अब यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया ना, यहाँ तीनों में से हमने माइनस कॉमन लिया तभी तो ब्रैकेट डला है, जब भी कॉमन
नहीं आप सॉल्व हो गया, आप यहाँ पर आप माइनस डाल दिए ना, माइनस डालने के बाद नहीं सॉल्व करने के बाद नहीं कटेगा ये, तो ये वाला ब्रैकेट दोबारा आएगा यहाँ पर यूँ और यूँ, जगह कम हो गई, ये ब्रैकेट जब तक माइनस साइन होगी ब्रैकेट आता रहेगा यहाँ पर, समझ आ गई। अब इसको क्या करेंगे, इसमें बंद कर देंगे, इसको क्या करेंगे इसमें बंद कर देंगे, समझ आ रही बात ये। तो ये चीज़ दोबारा लिख देता हूँ, 3x² प्लस, भाई क्लियर हो जाए हमारे पास, 3x² प्लस 2 3x प्लस 2 3x 1/3x 3x प्लस 1/3x का स्क्वायर, अच्छा 9 बच गया, अच्छा ठीक है आप जाएँ फिर वो कल आके देखेंगे, ठीक है आप जाएँ, आप जो है ना आप इनको समझा देंगे कल आएंगे ना, तो आप इनको जो मैं आपको करा रहा हूँ ना इनको मैच करा देंगे आप। तो 3x² हो गया प्लस 2 3x 1/3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, 1/3x का होल स्क्वायर, अभी रुक जाओ अभी अभी मैं काम कर रहा हूँ उसके बाद देता हूँ, माइनस 2y² माइनस माइनस लिखा आपने फिर ब्रैकेट कौन सी चीज़ 2y² एक मिनट पहले मैं लिख दूँ फिर बताता हूँ, माइनस 2y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय 1/2y 2 मल्टीप्लाई बाय 1/ 2y² माइनस 2y मल्टीप्लाई 1/2y ठीक है, और प्लस 1/2y का होल स्क्वायर प्लस 1/2y का 1/2y का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बन गया। यहाँ तक बात समझ आ गई ना सबको, हमने किस तरह उसको इसको खोला और इस तरह किस तरह से खोला, ठीक है। अब इसको बंद करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला, a² प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, सर ये दोनों एक ही है, ये प्लस का फार्मूला या माइनस, ये a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a क्या हमारा 3x प्लस बी क्या हमारा 1/3x a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख दिया इसको, इसको बंद कर दिया, ये माइनस माइनस डालेंगे, ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a क्या हमारे पास 2y माइनस b क्या हमारे पास 1/2y इसका होल स्क्वायर, ये बंद कर दिया हमने, ये आंसर हो गया, हमने फैक्टराइज कर दिया, हमने फैक्टर बना दिए, समझ आ गई बात, ये हमने उसके फैक्टर बना दिए, ठीक है। तो ये